Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma and today we are going to study about Bhagat Singh ji, a very revolutionary freedom fighter and also a person who is remembered, you know, from time immemorial. So Bhagat Singh ji ke bare mein padhna apne aap mein ek you know pride ki baat hai. Bhagat Singh ji ke bare mein janna inhone kaise फ्रीडम को ही, आज़ादी को ही अपने दुल्हन माना था और आज़ादी के लिए ही अपनी लाइफ कुर्बान कर दी थी. एट सच अ यंग एज ही वॉज सो डिटर्मिंड फॉर इंडियाज़ फ्रीडम, इज मदरलैंड्स फ्रीडम. सो दिस यू नो गिव्स अस चिल्स राउंड आर यू नो राउंड आर स्पाइन वेन एवर वी टॉक अबाउट भगत सिंह जी. मतलब इतने कम एज में, एक अपने यूथ के टाइम पर जब इंसान अपने करियर, अपने लाइफ के बारे में, सेटल होने के बारे में सोचता है, वहाँ भगत सिंह जी सोच रहे थे कि कैसे मैं अपने माँ को, अपनी धरती माँ को आज़ाद करा सकता हूँ, अपने नेशन को आज़ाद करा सकता हूँ. सो लेट्स स्टडी अबाउट भगत सिंह जी. 28 सितंबर 1907 इज द डेट वेन ही वॉज बॉर्न. सो 28 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगत सिंह जी. लेट अस अंडरस्टैंड ऑल द इम्पॉर्टेंट टिट्स एंड बिट्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ प्रिलिम्स अबाउट भगत सिंह. भगत सिंह जी के बारे में प्रिलिम्स के परस्पेक्टिव से जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पढ़ने चाहिए वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. सो मेक श्योर दैट यू टेक डाउन शॉर्ट नोट्स. छोटे छोटे नोट्स जो है वो लेते रहिएगा क्लास में, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं नोट्स प्रिलिम्स के लिए. ओके, क्लास पीडीएफ विल बी अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. When we talk about Bhagat Singh ji was born in 1907 in the Lalpur district, which is now in Pakistan. So I've created this short note for all of you. मैंने ये short notes आपके लिए prelims के लिए तैयार किए हैं. You can also create this mind map, this flowchart in your register. आप अपने register में इस तरीके का flowchart बना सकते हैं. Okay, all the important years and events I have listed them down. So Bhagat Singh ji born on 28 September. That is why 28 September is celebrated as his birth anniversary. The year in which he was born was 1907 in the Lalpur district, which is currently in Pakistan. And it is said that in 1923 he joined the National College. Now he grew up in the Sikh family, which was deeply involved in the political activities. And in 1923 Bhagat Singh ji joined the National College in Lahore. Now this National College was founded and managed by Lala Lajpat Rai ji and Bhai Paramanand ji. So Lala Lajpat Rai and भाई परमानंद जी दोनों ने मिलकर नेशनल कॉलेज को एस्टैब्लिश किया था, इसको मैनेज करते थे. दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. एंड 1923 इज द ईयर व्हेन भगत सिंह जी आल्सो जॉइंड दिस कॉलेज इन लाहौर. नाउ कम्स द टाइम ऑफ 1924. अब 1924 का टाइम आता है. सो इन 1924 इन कानपुर भगत सिंह जी बिकेम अ मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन व्हिच वाज स्टार्टेड बाय सचिंद्र नाथ सान्याल. तो 1923 में, इन 1923 दिस यू नो HRA institution, this particular you know association was established by Sachindranath Sanyal. Again important fact for prelims. And 1924 mein Bhagat Singh ji ne isko join kar liya. And after 4 years, that is in 1928, HRA was renamed as, this Hindustan Republican Association was renamed as the Hindustan Socialist Republican Association, that is the HSRA. Okay, तो 4 साल बाद, पहले तो उन्होंने ज्वाइन किया एचआरए को, 4 साल बाद एचआरए का नाम चेंज हो गया. एंड इन 1925-26 ही आल्सो ज्वाइंड द मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द नौजवान भारत सभा. सो 1925-26 का जो समय है, इन्होंने एक अपने कोलीग्स के साथ एक मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया जिसका नाम था नौजवान भारत सभा. ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. अनअकैडमी हैज लॉन्च्ड स्पेशल प्राइस वीक ऑन पॉपुलर डिमांड. नाउ इन दिस स्पेशल प्राइस वीक फ्रॉम 28 to 30 सितंबर 2021 ऑल द प्राइसेस ऑफ ऑल द बैचेस ऑन अनअकैडमी प्लस हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 10%. सो इफ यू आर एमिंग टू क्रैक यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन एंड इफ यू वॉन्ट एन एक्सपर्ट गाइडेंस, मेंटरशिप, प्रॉपर टाइम स्केड्यूल, द रिसोर्सेज, बुक्स, लाइव क्लासेस, मेंटरिंग, आंसर राइटिंग sessions, answer evaluation, then you are on the right platform. Unacademy Plus पर 28 से 30 सितंबर तक 10% reduction हर course के, हर batch के price में दिया जा रहा है. And you can get extra 10% discount if you use code ARPITA10. So hurry up, time is running off. 30 September is the last date when you are getting 20% discount in Unacademy Plus. The links are given below in the description box.
Subscribe today. Let's crack it. So after, you know, joining this militant association called the Naujawan Bharat Sabha, in 1927, Bhagat Singh Ji was arrested. He was first arrested in 1927 on the charges of the association with the Kakori case. Now, what were the accusations in this Kakori case on Bhagat Singh Ji? The accusations were that he wrote an article against the Britishers under the pseudonym called Vidrohi, that is rebel. So, ye inke upar charge laga tha. To Kakori case mein 1927 mein pehli bar ye arrest hue. Then in 1928, we know that Lala Lajpat Rai Ji led a procession to protest against the arrival of Simon Commission. Simon Commission Bharat mein aaya tha. Us commission mein ek bhi Indian nahi tha aur wo hamara constitution banane aa rahe the. To Lala Lajpat Rai Ji ne kya kiya? Vidroh kiya. To unhone jab vidroh kiya, uske charge pe unko lathi charge diya gaya Britishers ke dwara. And Lala Lajpat Rai Ji was very severely injured. And later on, he died because of his injuries. So to take the revenge for the death of Lala Lajpat Rai, Bhagat Singh and his associates, they planned an assassination of James A. Scott, who was the superintendent of police. But the revolutionaries mistakenly killed J.P. Saunders. And this incident was famously known as the Lahore Conspiracy Case 1929. So Bhagat Singh Ji and B.K. Dutt, they threw a bomb on 8th April 1929 also. 1929 में ही 8th April को Bhagat Singh Ji ने और B.K. Dutt ने Central Legislative Assembly में Public Safety Bill और Trade Dispute Bill के against protest करते हुए एक bomb फेंक दिया. ठीक है, और इसी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया. एंड बोथ भगत सिंह जी एंड बीके दत्त दे सरेंडर्ड आफ्टर फेसिंग द ट्रायल एंड दे वर री अरेस्टेड फॉर द मर्डर ऑफ जेपी सॉन्डर्स एंड बॉम्बिंग द मैन्युफैक्चरिंग इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस. ही वॉज फाउंड गिल्टी एंड ही वॉज हैंग्ड ऑन 23rd March 1931 इन लाहौर. That is why it is said that every year March 23 is observed as the Martyrs' Day, because it's a tribute to the freedom fighters Bhagat Singh Ji, Sukhdev Ji and Rajguru Ji. Okay, so these were the important points and facts, you know, from the perspective of prelims when it comes to Bhagat Singh Ji. Unacademy has also launched Weekend Current Affairs Simplified Badge, wherein all the current affairs sources like the Hindu newspaper, Indian Express, Yojana, PIB, etc. will be covered by the experts. This badge is starting from 2nd of October. So if you are interested in enrolling in this badge and getting your current affairs covered under the expert guidance on Unacademy, you can subscribe today. Use code ARPITA10 to get 10% discount. Links are given below in the description box. तो ये थी आपकी आज की क्लास भगत सिंह जी के बारे में. आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर. इफ यू रियली एंजॉयड इट, डू नॉट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ऑन दिस नोट, थैंक यू एवरीवन.